हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक शानदार प्रोजेक्ट जिसका नाम है वायरलेस ट्रांसमिशन। इसको सबसे पहले टेस्ला ने बनाया था। ठीक, इसे बनाने के लिए हमें कॉपर वायर पंखा का रिपेयरिंग दुकान में आराम से मिल जाएगा। ये 36 नंबर का वायर है। आप बोलेंगे 36 नंबर का वायर दे दीजिए, ज़्यादा नहीं 50 ग्राम लेंगे तो हो जाएगा आपका काम। बनाने के लिए एक ट्रांजिस्टर चाहिए, इसका नाम है BC547। इसे आप कोई भी टीवी रिपेयरिंग शॉप से आराम से ले सकते हैं। हमें रजिस्टर जो कि 2 किलो ओम से 220 किलो ओम या 30 किलो ओम तक आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। इसके और एक कंपोनेंट चाहिए, बैटरी जो कि 9 वोल्ट की है। हमें एक ऐसा गोल सा कोई चीज़ ले लेना है, ध्यान रखिएगा कि हाथ इतना बड़ा हो ताकि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से बने और जो पावर भी है वो अच्छी तरह से ट्रांसमिशन हो। तो इसे सबसे पहले हमें 15 बार इसमें लपेटना है। आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी लपेट सकते हैं, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी लपेट सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। 15 बार लपेटने के बाद इसे इस तरह से वायर को थोड़ा निकाल दें। ठीक, ऐसे कर दें और जिस डायरेक्शन से आप मोड़ रहे थे उसी डायरेक्शन में ही फिर से 15 बार आपको सर मोड़ना है, दूसरे डायरेक्शन से नहीं मोड़िएगा। आप चाहे तो 15 बार से ज़्यादा भी मोड़ सकते हैं, 15, 20, 25, 30, लेकिन दोनों कुंडली को उतने बार आपको मोड़ना पड़ेगा। सर्कल बना लेना है। ठीक, ये जो बीच वाला तार है इसमें हम लोग प्लस सप्लाई देंगे, यानी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे उसको जोड़ेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर और जो रजिस्टर था उसको इस तरह से जोड़ ले, इसका मिडिल पिन के साथ इसे जोड़ ले। ठीक, ट्रांजिस्टर का ये जो लेग है इसे हम कॉइल का जो पहला वायर था, जो राउंड करते समय जो पहला वायर था उसके साथ जोड़ेंगे। ठीक, और जो राउंड करने के बाद जो लास्ट वायर है उसे कॉइल के रजिस्टर के साथ जोड़ेंगे। और जो ट्रांजिस्टर का ये जो लेग बच गया ये हमारा माइनस है, और ये जो बीच वाला हिस्सा था ये हमारा प्लस है। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। हमारा प्राइमरी कॉइल तैयार हो गया है, अब हम सेकेंडरी कॉइल बनाएंगे। जितना टर्न्स उसमें टोटल है, जैसे 30 नंबर टर्न्स टोटल है, तो इसको पूरा 30 नंबर टर्न्स लेना है। इसमें कोई भी वायर को बाहर नहीं निकालना है। जो जिससे स्टार्ट किए उसे लाइट का माइनस में लगाएंगे, और जो एंड होता है वायर उसको लाइट के प्लस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे, कुछ इस तरह से। मैंने 3 तरह का ऐसा कॉइल बनाया, पहला बड़ा, ये उससे थोड़ा छोटा, और ये उससे भी थोड़ा छोटा। तो टेस्ट कर कर देखते हैं कि ये जलता है कि नहीं जलता है। तो फाइनली हमने प्राइमरी कॉइल में पूरा कनेक्शन कर लिया है, बैटरी कनेक्ट कर दी है, और हम चेक करते हैं लाइट जलता है, वायरलेस ट्रांसमिशन होता है कि नहीं होता है। स्विच ऑन करते हैं, देख सकते हैं छोटा वाला बॉल जलाते हैं, छोटा कॉइल में देखिए उससे थोड़ा कम पावर आ रहा है, मतलब कॉइल जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा है, मतलब कॉइल छोटा है तो थोड़ा पावर भी कम है। छोटी वाली कॉइल को देखते हैं, देखिए इसमें थोड़ा और पावर कम आ रहा है, साइड में लाने पर पूरी तरह से पावर आ रहा है। आपने देखा ये कितनी आसानी से बनाया जा सकता है, और आप चाहें तो इसे स्कूल के प्रोजेक्ट में बना सकते हैं और फर्स्ट प्राइज भी पा सकते हैं।